आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित कविता ब्रश ही जलत। कुछ चौपाई इसमें से हम लोग देखेंगे कि घन घमंड नब गर्ज तो घोरा प्रिया हीन डन पर मन मोरा दामिनी दमक रही घन माही खल की प्रीति तथा स्थिर नाही। इसका भावार्थ जो है कि कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते भयंकर गर्जना करते हुए आते हैं और इस बादलों की गर्जना के कारण श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया सीता के बिना उनका मन व्याकुल होने लगता है, डरने लगता है और यह बिजली इस तरह से चमकती है कि कभी चमकती है कभी लुप्त हो जाती है। जैसे दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता कभी भी स्थिर नहीं रहती उसी प्रकार ये बिजली भी कहीं दिखाई देती है चमकती हुई और कहीं लुप्त हो जाती है। यह लुप्त होकर बड़ा डरावना दृश्य यहाँ पर प्रकट करती है। हमारी अगली जो पंक्तियाँ है कि बरस ही जलद भूमि नियराए जथा नव ही बुद विद्या पाए बुंद अगाध सह ही गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। जैसे कि वे बरसात के मौसम में बरसात के बूंदे पृथ्वी के पास आकर गिरने लगती है और वह पृथ्वी पर पहाड़ों पर गिरी पर प्रहार करती हुई गिरती है और यह देखकर ऐसे लगता है कि वह पर्वत विनम्र होकर उनका मार सहन कर रहा हो। जैसे कि जो महापुरुष होते हैं तो महापुरुष दुष्ट लोगों के कटु वचन सुनकर भी उनका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देते उसी प्रकार ये पर्वत भी बूंदों की मार सहकर यह उनका प्रत्युत्तर नहीं देते। हमारी अगली जो पंक्ति है कि शूद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरहु घन खल इतराई भूमि परत बा ढावर पानी जन जीव ही माया निपटानी। अर्थात इसका जो भावार्थ है कि बरसात के कारण जो नदियाँ होती है छोटी छोटी नदियाँ जो होती है तो वह अपने आवेग में बहने लगती है अपने किनारों को तोड़ती हुई वह बहने लगती है और जैसे कि कोई दुष्ट व्यक्ति होता है वह थोड़ा सा धन पाकर उसके मन में अहंकार आ जाता है और वह उस अहंकार में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाए रखता है तो उसी प्रकार वह मर्यादा का त्याग करता है। पृथ्वी पर भी यह पानी गिरती ही यह पानी मैला हो जाता है गंदा हो जाता है और कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी पर माया मोह रूपी बातों से यह लिपट गई है क्या। हमारी जो अगली पंक्तियां है सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा सरिता जल जल निधि मोह जाई हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। अर्थात इसका जो भावार्थ है कि वर्षा का ऋतु में जो पानी होता है तो बूंद बूंद से पानी तालाबों में भरने लगता है नदियों में भरने लगता है। जैसे कि कोई सज्जन व्यक्ति के पास जो सद्गुण होते हैं वो एक एक करके सद्गुण उसके पास जमा होते हैं वैसे ही यह पानी नदी में तालाबों में जमा हो जाता है और आखिर यह पानी समंदर में जाकर मिल जाता है। और इस बात से हमें यह प्रतीत होता है कि जीव जैसे ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो वह इस पृथ्वी रूपी जीवन रूपी अवागमन से वह मुक्त हो जाता है और इन पंक्तियों के माध्यम से यही कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है।